कोविड-19 के पेशेंट्स जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा अब डर जो है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच मैंने आप लोगों को बताया था कि बंटी बबली 2 फिल्म जो है उसको पोस्टपोन किया जाने वाला है। जी हाँ, आखिरकार अब इस फिल्म के पोस्टपोन हो जाने के बाद में और कौन सी ऐसी फिल्म है जिस पर खतरा मंडरा रहा है, तो चलिए आपको बताती हूँ अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया से ये खबर सामने आई है कि बंटी बबली 2 जो कि 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी थिएटर्स में, सिनेमाघर्स में, इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दूं आपको कि ये फिल्म पूरी तरीके से तैयार थी। इसी बीच अब जो है राधे फिल्म को लेकर, सलमान खान की राधे फिल्म को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये फिल्म भी 13 मई को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। ईद के मौके पर रिलीज होगी इस फिल्म को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद से इस फिल्म को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मॉल, थिएटर, सिनेमास जो है वो सभी बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते हो सकता है कि फिल्म की रिलीजिंग को रोका जा सकता हो। कारण मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ कि जितनी कम स्क्रीन्स पर अगर फिल्म रिलीज होती है उसमें उतना प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये फिल्म आगे तक बनी रहेगी, क्या 13 मई को ये फिल्म रिलीज होगी, ये सवाल दरअसल खड़ा हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन इस चीज की नहीं आई है कि राधे फिल्म को पोस्टपोन किया जाएगा या नहीं। 2020 5 मई ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, कोविड-19 के चलते थिएटर्स नहीं खुले और फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का वादा किया, रिलीज नहीं की गई थी। इसके बाद में सलमान खान ने कुछ समय पहले ही अपने कमिटमेंट के साथ में इस फिल्म को कहा था कि ईद पर आने लाने का वादा किया था, और ईद पर ही ये फिल्म आएगी, यानी कि 13 मई 2021। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म आगे बढ़ती है या फिर इसे रिलीज किया जाता है। वेल गाइस, आप लोगों की क्या राय है इस पर, आपको क्या लगता है कि फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।